हेलो फ्रेंड्स, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना, किसी तरह का सेल या परचेस करना या फिर इसकी माइनिंग करना, क्या इंडिया में लीगल है या इलीगल? क्या इसके लिए किसी तरह की सज़ा या फाइन हो सकता है? क्या इंडिया के लॉ में किसी तरह की इससे रिलेटेड प्रोविजन की गई है? इस तरह के सवाल बहुत से लोगों के दिल में आते हैं जो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर चुके हैं या फिर करने की सोच रहे हैं। और क्या इंडिया में क्रिप्टो करेंसी बैन है या फिर बैन की जा सकती है, और अगर बैन की जाएगी तो क्या होगा, जानेंगे पूरी डिटेल्स। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। जिन्हें क्रिप्टो के बारे में कुछ नहीं पता, उनके लिए मैं ये बता दूं कि ये कंप्यूटर द्वारा जनरेटेड एक डिजिटल करेंसी है। ये एक वर्चुअल करेंसी होती है जिसकी कोडिंग करना बहुत ही मुश्किल होने की वजह से इसे कॉपी या डुप्लीकेट नहीं किया जा सकता, जिसे कि बहुत से कंप्यूटर्स में मैनेज और स्टोर किया जाता है। किसी क्रिप्टो करेंसी को आप किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से कंपेयर कर सकते हैं। जिस तरह से कोई भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक वर्चुअल डेटाबेस होता है, उसी तरह से क्रिप्टो करेंसी भी वर्चुअल डेटा होती है। बिटकॉइन, लिटकॉइन, इथेरियम आदि कुछ फेमस क्रिप्टो करेंसी के एग्जाम्पल्स है। क्रिप्टो करेंसी में इंडिया से करीब 10 बिलियन $ का इन्वेस्टमेंट किया जा चुका है। हालांकि साल 2018 में RBI ने, मतलब कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, एक आदेश जारी कर अपने अंडर काम करने वाली सभी बैंक्स और सभी तरह की नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ये आदेश दिया था कि किसी भी तरह की क्रिप्टो करेंसी के सेल या परचेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन पे बैन कर दिया जाए। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मोबाइल एंड इंटरनेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस केस में आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने RBI के आदेश को हटा दिया। और अब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड किसी भी तरह का लेजिस्लेशन, मतलब कि लॉ पास नहीं किया है, जिस वजह से इंडिया में क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना, सेल या परचेस करना, माइनिंग करना लीगल है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि गोल्ड की सेल या परचेस से रिलेटेड इंडिया की गवर्नमेंट ने कोई लॉ नहीं बनाया, इसलिए गोल्ड को सेल या परचेस करना या इसमें इन्वेस्ट करना लीगल है। इसी तरह से क्रिप्टो से रिलेटेड गवर्नमेंट ने कोई भी लॉ ना बनाया होने की वजह से इसमें ट्रेड करना, सेलिंग या फिर परचेसिंग करना, माइनिंग करना, ये लीगल है। लेकिन क्या होगा अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं और कुछ दिनों बाद गवर्नमेंट एक बिल पास करके इससे रिलेटेड एक लॉ लेकर आती है? जी हाँ दोस्तों, ऑफिशियल से मिली एक जानकारी से ये पता चला है कि जल्द ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो पार्लियामेंट में क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए एक बिल पेश करने वाली है। तो ऐसे में दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। एक तो ये कि पूरी तरह से क्रिप्टो को बैन और इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाएगा, या फिर क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग और माइनिंग के रिलेटेड कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जा सकते हैं। मिली हुई इन्फॉर्मेशन के तहत अगर गवर्नमेंट क्रिप्टो को पूरी तरह से बैन करती है तो आपको एक सर्टन टाइम दिया जाएगा जिसमें आप अपनी क्रिप्टो करेंसी को इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि नोटबंदी मतलब कि डीमोनिटाइजेशन के वक्त किया गया था। और अगर क्रिप्टो को बैन ना कर इससे रिलेटेड कुछ रेगुलेशंस बनाए जाते हैं तब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। हालांकि ये जानकारी अब तक कन्फर्म नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जल्दी ही पार्लियामेंट में क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड एक बिल को पेश करने वाली है। अगर गवर्नमेंट द्वारा क्रिप्टो से रिलेटेड किसी भी तरह का बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है तो इसकी जानकारी हम आपको सबसे पहले अपने चैनल पर देंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इसी साथ बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को ऑल पर सेट कर दे ताकि आपको आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल जाए। यहाँ पर एक और बात मैं आपको क्लियर कर दूँ कि हम किसी भी तरह की क्रिप्टो करेंसी का समर्थन नहीं करते, ना ही क्रिप्टो करेंसी का अपोज करते हैं। तो अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक करें। किसी भी तरह का कन्फ्यूजन होने पर आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।